दिखाए गए नाम, वर्ण, व्यवसाय, स्थान और घटनाएं सभी काल्पनिक है। इसका किसी मृत्यु व्यक्ति या जीवित व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। अगर इसका किसी वास्तविक घटना या चरित्र से कोई संबंध पाया जाता है तो यह मात्र एक संयोग होगा। इस वीडियो में कुछ डरावने तत्व दिखाए गए हैं और उसे परिपक्व को दर्शकों के लिए उपयुक्त है। हॉन्टेड ऑफिस, कड़कर ढूमा कोर्ट। निखिल एक बहुत ही रेप्यूटेड लॉयर था। अपनी 7 साल की प्रैक्टिस में वो आज तक एक भी केस नहीं हारा था और अपने फ्लॉलेस रिकॉर्ड पर उसे बहुत नाज भी था। अभी हाल ही में उसने कड़कर ढूमा कोर्ट में केसेस लड़ना शुरू किया था और वहां पर भी उसने अपने लिए एक अच्छा नाम कमा लिया था। कड़कर ढूमा कोर्ट का ऑफिस पूरे दिन लॉयर्स और क्लाइंट्स की हलचल से भरा रहता था। वहां हर कोई बस अपने काम में मग्न होता था। पर एक दिन किसी केस में बहुत बिजी होने की वजह से निखिल अपने ऑफिस का कुछ काम करना भूल गया। वो काम अगले दिन के केस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए निखिल ने डिसाइड किया कि वो रात में ऑफिस में रुककर बचा हुआ काम कंप्लीट कर लेगा। शाम को जब पीएन ऑफिस को लॉक करने आया तो उसने निखिल को कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठा देखा। वो तेजी से निखिल के पास गया और उससे कहने लगा, अरे साहब, आप अभी तक घर क्यों नहीं गए? कल सुबह कर लीजिएगा काम। निखिल काम में बहुत बिजी था, इसलिए उसने पीएन की बात को इग्नोर कर दिया। लेकिन वो पीएन फिर से निखिल को जाने के लिए कहने लगा, पर इस बार उसने कुछ बहुत ही अजीब सा कहा, साहब ये कोई मामूली जगह नहीं है, रात को यहां कोई भी नहीं रुकता। निखिल वैसे ही बहुत स्ट्रेस में था। उसने फ्रस्ट्रेट होकर पीएन को डांट लगा दी और वहां से उसे भगा दिया। पीएन डर कर वहां से चला गया और निखिल अपने काम पर वापस लग गया। निखिल के काम करते करते उसके लेफ्ट साइड वाले कंप्यूटर की स्क्रीन खुद से ऑन हो गई। निखिल को थोड़ा अजीब लगा और उसने उस कंप्यूटर का प्लग नीचे से ऑफ कर दिया और फिर से काम पर लग गया। पर कुछ सेकंड्स बाद कुछ ऐसा हुआ जो शायद निखिल ने कभी सोचा भी नहीं होगा। उसके साथ वाली चेयर खुद से पीछे हुई और फिर वापस अंदर आई, मानो जैसे कोई चेयर को पीछे खींचकर उस पर बैठा हो। और उसके देखते ही देखते उसके बगल वाली कंप्यूटर स्क्रीन फिर से ऑन हो गई। निखिल कुछ समझ पाता कि इतने में ही उस कंप्यूटर के कीबोर्ड के बटन्स खुद दबने लगे, मानो कोई उस कंप्यूटर को यूज कर रहा हो। निखिल तुरंत अपनी कुर्सी से उठ गया और उसने साथ वाली चेयर को धक्का मारा और कीबोर्ड की आवाज आनी बंद हो गई। तभी निखिल के ठीक पीछे से कोई गुजरा। निखिल पीछे मुड़ा पर वहां कोई था नहीं। निखिल वापस घूमा तो उसके सामने रखी चेयर धीरे धीरे उसके करीब आने लगी, जैसे कोई उस पर बैठा उसे रोल करके निखिल के पास ला रहा हो। निखिल के पैर वहीं जम से गए थे। वो चेयर रोल होती हुई निखिल के पैरों के पास आकर रुक गई। पसीने छूटने लगे। वो अब वहां से भागना चाहता था। हिम्मत करके उसने जैसे ही अपना पहला कदम पीछे रखा, उसे ऐसा लगा कि जैसे उसकी टांग को किसी ने पकड़ लिया है। निखिल जोर से चीखा और जमीन पर गिर गया। अब पूरे ऑफिस की लाइट्स फ्लिकर करने लगी थी और सभी कंप्यूटर स्क्रीन्स खुद से ऑन ऑफ होने लगे। निखिल डरा हुआ जमीन से उठा और ऑफिस के बाहर भागने लगा कि तभी उसके सामने ऑफिस की चेयर्स, कीबोर्ड्स हवा में उड़ने लगे और इधर उधर गिरने लगे। ऐसा लग रहा था कि मानो उस ऑफिस के अंदर कोई तूफान आ गया हो। ये सब देखकर निखिल के डर के मारे आंसू छूट गए थे। उसे ये सब एक बुरे सपने की तरह लग रहा था। उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली कि तभी उसे बंद आंखों में एक सफेद रंग की तेज रोशनी दिखी। वो रोशनी इतनी तेज थी कि निखिल की बंद आंखों में भी वो उसे चुभ रही थी। निखिल ने अपनी आंखें खोली तो उस चमकती रोशनी में उसे एक सफेद रंग की औरत दिखाई दी। वो चलती हुई जहां जहां गुजर रही थी। ऑफिस का तूफान शांत होता जा रहा था। धीरे धीरे वो औरत निखिल के करीब आ रही थी और निखिल मानो उसके वश में हो गया। निखिल उसे अपनी तरफ आते हुए मुस्कुराते हुए देख रहा था। वो रोशनी से बनी औरत की परछाई निखिल के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने निखिल के गाल पर अपना हाथ रखा
पर उस औरत के छूते ही निखिल होश में आया और जोर जोर से चीखने लगा। उसे लगने लगा जैसे किसी ने उसके गाल पर जलता हुआ अंगारा रख दिया हो। निखिल को होश आया तो उसे दिखा कि उसके सामने खड़ी औरत असलियत में एक भयानक आत्मा थी, जिसके चेहरे पर बहुत सारी चोटें लगी थीं और उसकी आंखें हरे रंग की थीं। निखिल को अब लगने लगा था कि उसकी मौत उसके बेहद करीब है, पर तभी उसे पीछे से किसी ने खींचा और ऑफिस से बाहर ले गया। निखिल को बचाने वाला और कोई नहीं बल्कि वही पियन था जिसको निखिल ने वहां से भगा दिया था। निखिल की हालत और उसका जला हुआ चेहरा देखकर वो पियन बहुत घबरा गया और उसने बताया कि निखिल की चिंता में वो आधे रास्ते से वापस ऑफिस आ गया था। ऑफिस के नीचे पहुंचते ही उसे निखिल के चीखने की आवाजें आईं और वो दौड़कर ऊपर आ गया। उस बूढ़े पियन ने निखिल को बताया कि कड़कड़ कोर्ट का ऑफिस एक भूतिया जगह है, वहां एक नहीं बल्कि कई आत्माएं हैं जो रात में बाहर निकलती हैं। कहते हैं कि एक औरत को गवाही देने से रोकने के लिए कोर्ट के पास चाकू से मार दिया था, तब से उस औरत की आत्मा भी वहीं भटकती है। उस कोर्ट में सूरज ढलने के बाद कभी कोई भी नहीं रुकता, इसलिए वो निखिल को भी वहां रुकने से मना कर रहा था। ये सब सुनकर निखिल की रूह कांप गई। उस दिन के बाद से निखिल ने कुछ दिनों के लिए ऑफिस से छुट्टी ले ली। उसके चेहरे का घाव तो भर गया, पर उस रात जो घाव उसके दिल और दिमाग पर आए वो शायद कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। दोस्तों, कड़कड़ कोर्ट के ऑफिस के बारे में काफी सारे न्यूज चैनल्स ने भी रिपोर्ट किया है कि वो हॉन्टेड है। ये वीडियो क्लिप जो आप देख रहे हैं, ये ऐसे ही एक न्यूज प्लेटफॉर्म अमर उजाला ने अपनी ऑडियंस के साथ शेयर की थी। है ना ये क्लिप दिल दहला देने वाली? क्या आप ऐसे ऑफिस में काम कर सकते हैं? हमें कमेंट्स में